एक और मिसाल है और बहुत अफसोस की बात मेरे भाइयों की ये मिसाल सोसाइटी में बहुत कॉमन है हमारे बॉम्बे की सोसाइटी में भी बहुत कॉमन है कई बार बहुत अच्छे दीनदार लोग भी ये ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जो ट्रांजैक्शन हम अब डिस्कस करने वाले हैं मेरा पर्सनल तजुर्बा यह है कि जो शख्स इसमें इन्वॉल्व होता है जब तक उसे चंद उलमा के फ़तवे ना दिए जाए तब तक वो सेटिस्फाई भी नहीं होते और आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो आप बात को बहुत ईज़िली कैच कर लेंगे इन और ये मिसाल है हैवी डिपॉज़िट के घर हैवी डिपॉज़िट के घरों में क्या होता है अब हम थोड़ा कंसेप्ट मुख्तसर में अंडरस्टैंड करें एक शख्स है जिसके पास घर है कोई प्रॉपर्टी है घर है दुकान है कोई भी प्रॉपर्टी है उसका नॉर्मल रेंट दस हज़ार है अब वो शख्स चाह रहा है कि उसे पैसों की ज़रूरत है पैसों की ज़रूरत है तो वो कहता है कि ऐसा करो मुझे तुम थोड़ा हैवी डिपॉजिट दो पाँच लाख डिपॉज़िट दोगे तो ये दस हज़ार से मैं इस रेंट को पाँच हज़ार कर दूँगा दस लाख डिपॉजिट दोगे तो मैं दस हजार से जीरो कर दूंगा सिर्फ मेंटेनेंस का बिल देना या हो सकता है वो भी नहीं अब ये जो डिपॉजिट बढ़ रहा है तो रेंट कम हो रहा है डिपॉजिट बढ़ रहा रहा है है रेंट कम हो ये ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करेंगे अब इसमें आप गौर करिए जो भाड़ा कम हुआ वो भाड़ा किस वजह से कम हुआ अगर मान लीजिए कि भाड़ा इसलिए कम हुआ कि अरे हमारी पुरानी पहचान निकल आई और पुरानी पहचान की वजह से दस हजार की जगह उसने कहा पांच हजार लूंगा आपसे तो जायज है कि ना जायज है? की वजह से कम हो गया जायज है पहचान की वजह से भाड़ा कम नहीं यहां पे कम, की से हुआ पे है, तो है, नहीं, नहीं, है।, है तो एक वजह से हो रहा है वो ये वजह है डिपॉजिट जिसे कहा जाता है पैसा अब वो डिपॉजिट उसे दिया जा रहा है किसे दिया जा रहा है जो घर का ओनर है घर के ओनर के पास डिपॉज़िट है अब वो डिपॉज़िट को वो यूज़ करेगा वो यूज़ कर रहा है इस्तेमाल कर रहा है पाँच लाख या दस लाख को इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल करने के बदले में वो भाड़ा कम कर रहा है सबसे पहले डिपॉज़िट के बारे में सही बात तो ये है डिपॉज़िट इस्तेमाल नहीं कर सकते डिपॉज़िट रहन को कहते हैं रहन जो चीज़ डिपॉजिट के तौर पर रखी गई है तो डिपॉज़िट तो जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपसे कोई चीज़ ले रहा है और जो ख़रीद रहा है तो ख़रीदने के बाद क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप डिलेड पेमेंट देने वाले हो कुछ सिक्योरिटी के तौर पर कुछ दो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जौ ख़रीदा था डिलेड पेमेंट पर जिसका पेमेंट बाद में करना था तो वो डिलेड पेमेंट पर जो जौ ख़रीदा था नबी वसल्लम ने उसका पेमेंट बाद में देना था व्राह नर अमीन हदीद उनकी लोहे की ढाल सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर रखी हुई थी तो उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इनकी ढाल लेके चले जाएगा कि मैं ढाल लेके जा रहा हूँ वो डिपॉजिट है डिपॉजिट के बारे में कायदा यह है कि डिपॉजिट की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय कि अगर किसी ने अपनी गायें आपके पास रख दिया डिपॉजिट में क्या आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए मेरे पास मेरी गायें हैं मैं गायें रख रहा हूँ आपके पास अब जाहिर सी बात है गाय को रखेगा उसको चारा तो खिलाना पड़ेगा अब चारा मैं खिला रहा हूँ मेरे पैसे से खिला रहा हूँ तो फिर उसके पास से दूध भी ले सकते हैं जितना चारा खिलाए उसके मुताबिक कोई वैल्यू की दूध भी ले सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं या किसी ने घोड़ा रख दिया डिपॉजिट के तौर पर तो हदीस मौजूद है जिसके तहत हमें पता चलता है कि घोड़े को जो चारा खिला रहे हैं तो उस मुताबिक उतना उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन अदरवाइज जो डिपॉजिट के तौर पर जो चीज रखी हुई उसे यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर यूज करना है तो कर सकते हैं अगर सामने वाले ने कहा ठीक है मैं कह रहा हूं यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मली जब लोग डिपॉजिट के तौर पर जो रखते हैं अंडरस्टूड बात होती है कि पांच लाख ये ऐसे ही रखने नहीं वाला है ये पांच लाख दस लाख को इस्तेमाल करने वाला है जब वो इस्तेमाल करता है तो शरा हिसाब से वो डिपॉजिट नहीं रहा वो कर्ज हो गया लोन कि कर्ज जो है वो आपने मुझे कर्ज दिया तो मैं यूज़ कर सकता हूं मिसाल के तौर पर किसी की अमानत आपके पास घर पे है जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने कहा मेरी जरा लैपटॉप संभालो भाई ये लैपटॉप आपके पास रखो तो जो अमानत होती है उसे यूज़ नहीं कर सकते और अगर कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज कर्ज के तौर पर मिली है अब वो पाँच लाख या दस लाख की हकीकत पता चली वो पाँच लाख दस लाख डिपॉजिट नहीं है डिपॉजिट नाम है लेकिन वो इन रियलिटी कर्ज है ठीक है अब इतना नाम का डेफिनेशन हल हुआ इतना पता चला वो कर्ज है कर्ज के बदले में अगर कोई कहता है कि मुझे पांच लाख तुम दे रहे हो मैं तुम्हें हर महीने का एक हज़ार दूंगा हर महीने का दो हज़ार दूंगा हर महीने का पाँच हज़ार दूंगा तो ये सूद है कि नहीं है क्लियर कट सूद है तो ये कह रहे हैं भाई पांच लाख के बदले में पांच हजार दोगे दस लाख के बदले में दस हजार दोगे हर महीने सूद हराम हराम सूद तो हराम है सूद है हराम है आप हराम काम नहीं करोगे ऐसा करो आपको जो भाड़ा है ना जो भाड़ा आपको देना है वो भाड़ा कम कर दो ऐसे पैसे बोल के तो आप नहीं ले नहीं रहे हो सूद के नाम से आपको मुझे दस हज़ार भाड़ा देना है हर महीने दस हजार में से पांच हजार माइनस कर लो पांच हजार माइनस कर लो दस हजार माइनस कर लो अब तो हलाल हो गया कि नहीं हो गया तो निम से हां हलाल वही चीज को अगर भाड़ा भी दे रहे हैं और सूद भी दे रहे हैं यहां से भाड़ा आ रहा है वहां से सूद जा रहा है तो सूद हराम है लेकिन वही चीज को थोड़ा नाम बदल दो ताकि आदमी निकल जाए हराम चीज को थोड़ा हलाल का और चढ़ा दो रिपैकेज करके दो उसको तो रीपैकेज करके देंगे तो वो निकल जाएगा उसे तो यहां क्या हो रहा था कि अगर पांच लाख का कर्ज दिया इन्होंने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पांच लाख का कर्ज दिया मिस्टर बी ने ए को पांच लाख का कर्ज दिया ये हर महीने का पांच हजार का रेंट दे रहे हैं पांच लाख के कर्ज पर पांच हजार का सूद दे रहे हैं हाँ इंटरेस्ट दे रहे हैं कर्ज इन्होंने दिए इसके बदले में सूद आ रहा है और ये जो जगह यूज कर रहे हैं इसके बदले में भाड़ा दे रहे हैं तो दोनों ने एडजस्ट कर लिए कि मुझे भाड़ा नहीं देना मैं तुम्हें नहीं दूंगा यही तो है कंसेप्टेवी डिपॉजिट का तो डिपॉजिट के अंदर जो भाड़ा जितना कम हो रहा है चाहे दस हजार से आठ हजार हुआ पांच हजार हुआ तीन हजार हुआ दो हजार हुआ एक हजार हुआ मेंटेनेंस हुआ, हुआ। रमेश भाई, भाई है एक और दूसरे विजय भाई रमेश भाई के पास घर है हा और विजय भाई के पास पैसे हैं। विजय भाई पैसे देते हैं पांच लाख रुपए रमेश भाई को देते हैं विजय भाई ने पांच लाख रुपए रमेश भाई को दिए रमेश भाई ने अपना घर बिना रेंट के दे दिए या रिड्यूस रेंट पे दिए दस हजार की जगह पांच हजार रेंट लिए वही अगर दस लाख देते तो ये जीरो कर देते अब यहां पर आप देखिए इन रियलिटी ये ट्रांजेक्शन क्या है हकीकत में ये है कि वो पैसों के बदले में सूद ये दे रहे थे और जगह के बदले में रेंट ये दे रहे थे तो रेंट में से उतना अमाउंट माइनस होता गया सूद का अमाउंट तो मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जिसने अपना घर हैवी डिपॉजिट पे दिया हुआ है और इस वजह से भाड़ा कम किया है तो मुझे बताइए ये सूद देने वाला आदमी है लेने वाला आदमी है जिसके पास घर है हा? और घर का रेंट कम किया उसने तो ये सूद घर का रेंट दस हजार आता था दस हजार की जगह पांच हजार आने लगा वो पांच हजार क्या है गए कहा गए सूद है वो ये शख्स सूद देने वाला है और जिसने डिपॉजिट दिया जिसने डिपॉजिट दिया ये कौन आदमी है ये सूद खाने वाला आदमी है जैसे हम देखते हैं नबी सब ने लानत की किल रिबा व वी व वह नबी नबीम ने लानत की सूद देने वाले पर सूद लेने वाले पर उसके एंट्री।, एंट्री करने वाले पर एंट्री करने वाले पर हा? जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है बोले कि हमारा डिपॉजिट का डॉक्यूमेंट बना दो भाई हाँ हा, हा, बोलो क्या डिटेल्स है देखो इल्म ना होना कितनी खतरनाक बात है कि उसे काश पता होता कि वो कितने बड़ी लानत वाली चीज के अंदर मुब्तला हो रहा है वह क्या थी बहु और दोनों गवाह विटनेस आपके पास आए देखो हमारे डिपॉजिट का डॉक्यूमेंट बन रहा है आप विटनेस बनेंगे हाँ हाँ चलो मैं साइन कर देता हूं साइन करने मिल रहा है कहीं हाँ तो जो साइन करने वाले दोनों शाह दोनों गवाह वो क्या है होम सवान सब बराबर है नबी ने कहा सब पर नबी नबीस ने लानत की अच्छा अभी इसके अंदर अगर आपको फतवा देखना है तो यकीनन फतवे है मौजूद जो हम देखते हैं कि सऊदी की सीनियर कमेटी ऑफ उलमा के फ़तवे मौजूद है और शेख़ रहमान की रिबा के ऊपर सूद के मौजू पर किताब है वो बुक के अंदर भी उन्होंने इस फतवे को नक़ल किया है और ये चीज़ मौजूद है और बात कंसेप्ट के तौर पर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी क्लियर है तो मेरे ब्रदर्स ये एक और शक्ल है जिसके अंदर सूद क्या नाम लेकर आ रहा है रिड्यूस्ड रेंट या हेवी डिपॉज़िट वगैरह के नाम से सूदी ट्रांजैक्शन आ रहा है यहाँ पे अगर किसी को कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हैं जैद भाई ये अंडरस्टूड है और डिफाइंड है कि वो हैवी डिपॉजिट अभी तो ऑलमोस्ट ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि इंटरेस्ट है अगर किसी को कोई जरूरत ही पड़ती है तो वो तो ना बैंक जा सकता है ना क्या बात है? ना, ना ये ना ये हैवी डिपॉजिट ले सकता है किसी को फॉर एग्जाम्पल उसका पचास लाख का घर है उसको पाँच लाख रुपये की इमिजिएट जरूरत आ गई तो उसका ऑल्टरनेट क्या है कितनी अच्छी बात उन्होंने कही भाई का सवाल बहुत अच्छा है प्रोएक्टिव सवाल है वो कहते हैं कि अभी दोनों का प्रॉब्लम भी तो सोल्व करो किसी के पास घर है लेकिन उसे पैसों की जरूरत पड़ी और किसी के पास पैसे है लेकिन वो रेंट का खर्चा इतना ज़्यादा हर महीने हर महीने देना उसको भारी पड़ रहा है तो दोनों के लिए कुछ सोल्यूशन बताइए चलिए हम लोग दोनों की बात करेंगे पहले हम लोग बात करेंगे जिसके पास पैसे है और भाड़े के पैसे हर महीने देना उसे पसंद नहीं है बोलते एक बार डिपॉजिट रख दिया मेरा भाड़ा कट हो जाता है भाड़ा ज़ीरो हो जाता है भाड़ा कट नहीं हो रहा है वो सूद है वो वो भाड़ा उसका सूद है हाँ जैसे हमने देखा कि सूद कैसे कोई शख्स खाना खिला रहा है वो खाना भी हो सकता है सूद होगा हो सकता है कोई शख्स कोई हदिया दे रहा है वो हदिया भी हो सकता है सूद होगा हमने बुखारी की हदीस देखी थी कि अब्दुल्ला सलाम रद्द ने क्या कहा कि अगर तुम्हारा किसी पर हक है और वो तुम्हें थोड़ा जौ दे दे थोड़ा भूसा दे दे थोड़ी छोटी सी कोई चीज दे दे फला बाप वो भी मत लेना वो भी सूद है तो हमने देखा कि सूद जरूरी नहीं पैसों में हो सूद अलग अलग शक्लों में आ सकता है तो रिड्यूस्ड रेंट की शक्ल में आ रहा है जो हमने देखा ना सूद नाम भी बदलता है और भेज भी बदलता है यहां पे भेज बदला है कि वो उसने की शक्ल में, सूद सूद में लोग पहचानते हैं कि पैसे आए ना हाए तो सूद है आ, समझ रहे तो सूद है लेकिन जब रिड्यूस रेंट की शकल में आ रहा है तो पहचान नहीं पा रहे अब यहां सवाल यह है कि किसी के पास पैसे है और उसे हर महीने का भाड़ा नहीं देना है चलिए कुछ सोल्यूशन बताइए आप लोग बताइए क्या करेंगे वही डिपॉजिट में उसका जो भाड़ा रहेगा उसको कट करते जाए उसकी भी हेल्प हो जाएगी उसको घर भी मिल जाएगा इन्होंने एक बात कही है बहुत अच्छी बात है अगर सोचेंगे तो इन्होंने कहा कि वो जो डिपॉजिट है तुम्हारे पास पाँच लाख रुपए है वो डिपॉजिट के अंदर उसका भाड़ा कट होता जाए लेकिन वो कह रहा है कि मेरा डिपॉजिट जो है वो कम हो रहा है मेरा जो डिपॉजिट है वो क्या हो रहा है पांच लाख की जगह फोर लाख नाइन्टी फाइव हो गया फिर फोर लाख नाइन्टी हो गया पांच साल बाद मैं निकलूंगा पांच साल का भाड़ा कट हो जाएगा वो पांच लाख की मेरी रकम है वो कट हो जाएगी कट हो जाएगी ना उसकी रकम तो इसका क्या सोल्यूशन है वो कह रहा है मैं चाह रहा हूं मेरी रकम कट भी ना हो और भाड़ा भी मेरे ऊपर ना आए ये क्या करेंगे आपने जो बताया ये एक सोल्यूशन है बल्कि मैं आपको बताऊं ये सोल्यूशन को हम और बढ़ा सकते हैं कैसे कि मिसाल के तौर पर एक शख्स कह रहा है कि दस हजार भाड़ा है तो आप उससे निगोशिएट करिए बोले दस हजार है साल भर का मैं एक साथ में दूं तो कितना लोगे साल भर का एक साथ में दूं तो बोले साल भर के एक साथ में मैं नहीं करूंगा बोले एक काम करो दो साल का दूंगा पांच साल का मैं एक साथ में भाड़ा देता हूँ पांच साल का एक साथ में करता हूँ तो कितना करोगे भाई पांच साल का एक साथ में दूंगे तो, तो सात हजार कर दूं आठ हजार निगोशिएट करिए अब इसमें दो एडवांटेजेस हैं पहला एडवांटेज ये है कि वो भाड़ा जो है वो दस हजार की जगह सात आठ कुछ तो पे ला सकते हैं हम लोग उसको पैसों की जरूरत है भाई उसे पैसों की जरूरत है इसीलिए वो बात कर रहा है ना तो हम उसे ऑफर दे रहे हैं कि तुम दस हजार की जगह सात लो आठ लो पांच साल का एडवांस रेंट ले लो लेकिन इसमें दो एडवांटेजेस है पहला एडवांटेज क्या है कि दस की जगह सात हो गया दूसरा एडवांटेज क्या है पांच साल तक एक घर मिलेगा एड्रेस बार बार बदलेगा बारे नहीं बारे और क्या फायदा है बारे गी। बारे गी। से हो गया एक साल का डिपॉजिट बच गया और क्या बेनिफिट है अगले साल वो भाड़ा हो गया बारह दस हजार का ग्यारह हुआ बारह हुआ पंद्रह तो वो इंक्रीज भी तो बच गया पांच साल के पीरियड में उसका तो उसको एक फेयरली अच्छा डील मिल रहा है एडवांस रेंट देने से उसको फेयरली अच्छा डील मिल रहा है और हलाल ऑप्शन मिल रहा है ये एक ऑप्शन हुआ सेकेंड ऑप्शन बताइए जब आप ऑप्शन बताते हैं तो हम सबको एक मौका ये भी मिलता है कि जो उसूल हमने अब तक स्टडी किए वो उसूल के एप्लीकेशन में कहीं कोई मिस्टेक तो किसी से नहीं होती है और मिस्टेक होगी तो हमें उसे डिस्कस करेंगे तो मिस्टेक वाजे हो जाएगी ताकि अगली बार रियल लाइफ में मिस्टेक नहीं करना चाहिए क्योंकि रियल लाइफ के रिजल्ट कब निकलने वाले हैं

उस इन्वेस्टमेंट में लगा दो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट से यहाँ रेंट दे दो अब कोई कहे क्या जवाब मिलेगा मालूम है जवाब ये मिलेगा क्योंकि जिसके पास पैसे जमा हुए हैं ना यानी उसके पास बहुत बिजनेस आइडियाज़ नहीं है इसीलिए पैसे जमे पड़े उसके पास वो पाँच लाख की रेंज का कोई बिजनेस प्लान अगर होता तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके वो प्रॉफिट से यहाँ रेंट दे रहा होता वो हैवी डिपॉजिट के चक्कर में कौन जाता है जिसके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं समझ में आ रही है पाँच लाख की क्योंकि बिजनेस में पोटेंशियल होता है ज़्यादा कमाने रेंट से ज्यादा कमाने का चांस बिजनेस में होता है नॉर्मली इसी वजह से लोग रेंट पे जगह लेके बिजनेस करते हैं उसमें क्योंकि रेंट पे जगह लेके बिजनेस क्यों करते हैं क्योंकि बिजनेस में ज्यादा कमाते हैं रेंट से नॉर्मली तो वो शख्स जो डिपॉजिट का सवाल पूछ रहा है उसके पास बिजनेस प्लान नहीं है इसलिए वो पूछ रहा है अब उसको कुछ आइडिया बताओ आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो ये बहुत अच्छी बात है मैंने उस सेकंड पार्टी को हटा दिया आप खुद ही इन्वेस्ट करो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट से पेमेंट कर दो अपना रेंट पांच लाख को बिजनेस में लगा दो एक और ऑप्शन है इनके लिए कि आप कुछ रेंट पे चीज ले लो कोई चीज ले लो उसे रेंट रेंट पे पे दे दे दो मिसाल के तौर पर रिक्शा रिक्शा ले लिए को दिए कोई चीज ले लिए वो चीज को रेंट पे दिए उसका रेंट आ रहा है उससे यहां रेंट दे रहे हैं हलाल है एक चीज लेकर रेंट पर देना तो जायज है ना अपनी जगह को एक ले लिए पांच लाख की कोई दुकान आ रही छोटी पांच लाख का कोई रिक्शा आ रही है पांच लाख की क्या चीज आ रही है वो पांच लाख की कोई एक चीज लो उसको रेंट पर दो उसका रेंट आएगा उससे कुछ बीच में मार्जिन बच भी जाएगा इन क्योंकि हलाल के चक्कर में आदमी जब जाता है ना तो अल्लाह ताला ने हलाल में बरकत रखी है, तो, भी रिस्क है तो वही तो रिस्क देखिए क्या है ना यही बहुत अहम बात आपने कही सूद में रिस्क नहीं होता है बिजनेस में रिस्क होता है और लोग ये चाहते हैं कि पांच लाख रुपए मैं सूद पे दे दू ना तो वो सूद पे बिना रिस्क के आएगा बिजनेस में तो रिस्क होगा लेकिन वो रिस्क में बरकत है वो रिस्क में हलाल है वो रिस्क में आदमी हराम चीज से बच रहा है वो रिस्क ही तो सही चीज है बिना रिस्क के करना गलत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से उसूल निकलता है फिक्र का अल खराजु अलखराजु जमान नफ़ा बेनिफिट प्रॉफिट इज विद द रिस्क ऑफ लॉस प्रॉफिट होता है तो लॉस का जो रिस्क होता है वहां पर सामने प्रॉफिट आता है अगर रिस्क ऑफ लॉस नहीं है तो प्रॉफिट नहीं होता है वो कि हमारे ये जो दो भाई हैं एक के पास पैसे हैं और दूसरे के पास जगह है इन्हें हलाल ऑल्टरनेटिव हम क्या दे सकते हैं तो दो ऑल्टरनेटिव के बाद तीसरा ऑल्टरनेटिव अब क्या है बताइए दो ऑल्टरनेटिव हम देख चुके हैं किसके लिए जिसके पास पैसे हैं जिसके पास पैसे हैं उसको हमने दो ऑप्शन दिए एक ऑप्शन कि तुम एडवांस रेंट दे दो सेकेंड ऑप्शन कि तुम वो पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करो कोई और ऑप्शन है वो कहीं से कर्जा लेके वो घर डायरेक्ट खरीद ले जिसके बाद पैसा है वो कहीं और से थोड़ा कर्जा लेके वो घर डायरेक्ट खरीद ले इन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पास पाँच लाख तो है ना ऐसा करो कि तुम्हारे पास कोई और अगर कर्जा कहीं से मिल रहा है ऑफ कोर्स इंटरेस्ट फ्री लोन होना चाहिए या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो तुम वो घर को खरीद लो तो ये भी एक ऑप्शन है हाँ थर्ड ऑप्शन ये भी है और एक ऑप्शन देना चाहते हैं और कोई ऑप्शन आप में से कोई भी कोई ऑप्शन देना चाहते हैं चलिए हम उस शख्स की तरफ आते हैं जिसके पास घर है लेकिन पैसों की ज़रूरत है उसके लिए क्या ऑप्शन है जो यहाँ का ऑप्शन था कि एडवांस रेंट दे दो वो उसके लिए भी तो ऑप्शन है अच्छा ज़रा सोचो उसके पास घर है उसे पैसों की ज़रूरत है ज़रा सोचो अगर वो हैवी डिपॉज़िट पे लेता पैसे तो उसका रेंट गया और उसे चार साल पाँच साल दो साल जब भी वो उसे खाली कराएगा तो डिपॉज़िट भी देना पड़ेगा अगर ये शख्स पाँच साल का एडवांस रेंट लेता है तो पैसे आ गए और पाँच साल बाद डिपॉजिट देना भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो आए वो उसके ही आए तो इसके पास तो डबल बेनिफिट है ना हलाल में खैर भी है और बरकत भी है तो हम देखते हैं कि ये शख्स के पास अगर उसे पाँच साल का एडवांस रेंट कोई देने वाला मिल जाता है तो उसके लिए ये ऑप्शन हैवी डिपॉजिट वाले ऑप्शन से दुनियावी अतबार से भी बेहतर है और यही बात हकीकत है कि कुरान हदीस पे चलने में दुनिया और आखिरत दोनों का खैर है तो हमने ये बात देखी ये है एक ऑप्शन के हैवी डिपॉजिट जिसके पास घर है और उसे पैसों की जरूरत है वो एडवांस रेंट ले ले दो साल तीन साल चार साल पांच साल दस साल जितना लेना है लो तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम्हारी चीज है तुम जितना लेना चाहते हो ले सकते हो एडवांस रेंट एक ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बताइए घर का एक पोर्शन सेल कर सकता है वो मिसाल के तौर पर जो घर है उसके पास वो हंड्रेड उसकी प्रॉपर्टी है वो कहता है एक शख्स को जो इन्वेस्टर है वो कहता है ऐसा करो ये घर मैं तुम्हें फिफ्टी परसेंट बेचना चाहता हूं आधा आज इस घर की मार्केट वैल्यू पचास लाख है तुम मुझे पच्चीस लाख दो आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से कल जाकर जब इसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है साठ लाख हो जाएगी और मैं जब खरीदना चाहूँगा तो एक कायदा है शरीयत में जिसका नाम है शुफा का कायदा कि जिसके अंदर वो जब बेचेगा तो उसे अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए अदर पर्सन को देने की जगह अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होगी तो ये है शरीयत में, इस्लामिक शरीया में है कि अगर मान लो कि एक चीज के अगर दो को ओनर है तो अगर उनमें से एक को ओनर बेचना चाहता है तो उसे अपने को ओनर को यानी अपने दूसरे जो शरीक है जो पार्टनर है उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हें होगी फिर ही मैं बाहर मार्केट में प्रेफरेंस दूंगा तो वो कहता है कि बाद में जो मार्केट में वैल्यू होगी वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं खरीद सकता हूँ तो तभी साठ लाख हो गई तो उसे तीस लाख देना पड़ेगा अगर चालीस लाख होगी तो बीस लाख देना पड़ेगा मतलब ये टर्म्स पर वो इन्वेस्ट कर सकता है लेकिन ये बांध नहीं सकता है उसे कि तुम्हें बेचना ही पड़ेगा जब वो बेचना चाहेगा तब बेचेगा लेकिन इसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो 50 परसेंट का ओनर कोई क्रिएट करे और फिर वो भाड़े पे भी दे सकता है भाड़ा दोनों में बटेगा भाड़ा दोनों में बटेगा ये एक और सेकेंड ऑप्शन है देखिए यहाँ क्या मामला है ना आप ये बात याद रखिए कि हलाल में हमारे पास लिमिट ही नहीं है ऑप्शन की आप कितना सोच सकते हो कितना गुलामी से आजाद होकर बाहर की दुनिया में हम हलाल ऑप्शंस में क्या क्या सोच सकते हैं बहुत कुछ है लिमिट ही नहीं है हराम में लिमिट है कि हराम की लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं हलाल के अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं तो ये बात को ध्यान में रखकर आदमी अगर ये सोचे कि ऑप्शन है तो उसे ऑप्शन समझ में आएंगे जैसे हम लोग सब यहाँ बैठ सब बात कर रहे हैं अल्हमद कितने ऑप्शन निकल रहे हैं लेकिन क्या होता है कि आदमी जब सिचुएशन में आता है तो हराम की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है ना कि उसे प्रोग्राम किया जाता है कि तुम हराम के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते तुम्हारे पास हराम के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है और ये क्या है ये गुलामी है इसके अंदर जब आदमी जाता है तो वो सोचना बंद कर देता है वो मायूस हो जाता है वो आजिज आ जाता है तो ये चीज़ क्या है ये हार आ गई ना तो तभी वो बाहर निकल भी नहीं पाएगा वो बाहर निकलेगा तब जब वो पहचानेगा कि बाहर निकलने का मेरे पास चांस है अल्लाह ने दिया है चांस तो हम जो कुरान हदीस है असूल देख रहे हैं वो तो एक सीख है लेकिन वो उसूलों को अप्लाई करने के लिए ओपन अप होना कि दुनिया में है हलाल के बहुत अल्टरनेटिव्स है और आदमी अल्लाह से उम्मीद ना हारे अल्लाह व तआला से उम्मीद रखेगा उसको अल्लाह ताला रास्ता निकालेगा बताएगा कुरान की आयत आयत है ना नंबर फीना सुबुलना जो मेरे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं मैं उन्हें अपने रास्ते की हिदायत देता हूं तो हिदायत का वादा कब है जब जद्दोजहद करेंगे तो अगर आदमी बैठे बैठे बोलता है कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है तुमने कुछ किए तुम कुछ करो जद्दोजहद करो अल्लाह ने कहा तुम जद्दोजहद करोगे मैं तुम्हारे लिए रास्ते निकालूंगा तुम्हें रास्ते की हिदायत दूंगा तो ये अहम बात है हम सब के लिए